सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज़ रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पज़ पे या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको एवरी एक्सपायरी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा जो यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। साथ ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको आपकी क्वेरीज़ का अर्ली रिप्लाई मिलेगा और आपको कम्युनिटी में स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते रहेंगे। और आज सुबह ही मैंने कुछ स्टॉक आपको रिकमेंड किए हुए हैं कम्युनिटी में, तो अगर किसी ने मिस कर दिए हैं मेंबर्स में से तो जल्दी से देख लो। और जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंबरशिप की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, वही अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके, तो वहाँ से भी आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 13,109 के पास और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 29,817 के पास। तो निफ्टी ने आज डेली चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है, एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म की है। तो देखिए, जैसे हमने बात की थी कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है, तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद आज निफ्टी ने जो है वो हमें 13,050 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट अपने हाईस के पास है निफ्टी। और अगर बात करें तो अभी जो इंडेक्स है वो ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी ने फिलहाल अभी 30,000 का लेवल नहीं पार किया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 145 के बहुत करीब है और अगर निफ्टी 13,100 के ऊपर ऐसे ही स्टेबल हो जाता है तो यहाँ से हमें जो है वो 13,200 का फर्स्ट टारगेट जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। रही बात अपसाइड मोमेंटम की, जो कि 13,500 के पास है 13,200 क्लियर होने के बाद, तो अगर निफ्टी 13,200 क्लियर कर देता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और इसके ऊपर अच्छे से स्टेबल हो जाता है तो जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हमें देखने को मिलेगी वो 13,500 और 600 की रहेगी निफ्टी के अंदर। डाउनसाइड की बात करें तो अभी भी डाउनसाइड के लिए 12,600 का इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है और जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया है या फिर निफ्टी यहाँ से ज़्यादा बेरिश हो सकता है ये हम लोग नहीं कह सकते। हाँ, अगर एक गिरावट देखने को मिलती है तो 12,800 या 700 तक देखने को मिलेगी। तो आने वाले इस दो दिन के लिए निफ्टी की जो रेंज हमें दिखाई दे रही है वो 12,600 से लेके 13,150 के बीच की रहेगी। सो ओवरऑल ट्रेंड हैज़ बीन स्ट्रॉन्गली अप। वी स्टिल बिलीव दैट वन शुड अवॉइड एग्रेसिव बेट्स, रैदर फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सो आइडियल रेंज फॉर दिस कमिंग सेशन एंड फॉर दिस कमिंग एक्सपायरी इज 12,600 टू 13,150 एंड टिल द टाइम वी डू नॉट ब्रेक आउटसाइड दिस रेंज We are likely to see trades on both the sides. So 13,150 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, निफ्टी निकलता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वॉच आउट का और हमारे टारगेट का वो रहेगा फर्स्ट 13,200-250 का लेवल। अगर ये पार हो जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 13,400 एंड द मूव विल नॉट बी एज स्विफ्ट एज इट हैज़ बीन इन द रिसेंट पास। सो यहाँ पे अभी जो हमें इतना बढ़िया मूव जो है वो यहाँ से देखने को मिला है वो इतना इजीली फिर से नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके जो है वो निफ्टी जाता हुआ अपसाइड के लिए हमें दिखाई दे सकता है। डाउनसाइड की बात करें तो अगर हमें इन लेवल्स के पास से गिरावट देखने को मिलती है तो
तो भी कुछ बढ़िया बात नहीं रहेगी, मतलब इतना ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 12,800, और अगर 12,800 इनकेस टूटता है तो 750। ये जो जोन है निफ्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है, और जब तक इस जोन के ऊपर चल रहा है निफ्टी, निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। जब तक ये जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है, निफ्टी बुलिश है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ही थोड़ी चिंताजनक बात रहेगी, फिर भी इतने ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम लोग ट्रेंड देखें निफ्टी का तो अपसाइड के लिए ही हमें ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा गिरावट फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पहले से अगर हम लोग देखें तो वो अपसाइड के लिए ही भागता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन डेटा हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। तो अभी मेरे सामने इस एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा है, और अगर देखें तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है 39 लाख का, जो कि है 13,500 के लेवल के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 30 लाख का, जो कि है 13,100 के लेवल के ऊपर। आज सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 13 लाख की, जो कि हुई है 13,400 के लेवल के ऊपर। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा लेवल्स के ऊपर ही, कि अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर अच्छे से टिक जाता है तो यहाँ से नेक्स्ट जो रैली है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, और अगर इजीली इस जोन के ऊपर निफ्टी स्टेबल हो जाता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 13,400 और 13,500। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमें उसी हिसाब से दिखाई दे रहे हैं इस ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। फर्स्ट तो निफ्टी को इम्पॉर्टेंट है कि 13,100 होल्ड रखे, आज तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड रखा है निफ्टी ने, लेकिन अगर फिर से ये ब्रेक होता है तो हमें फिर से डाउन साइड के लिए 13,000 ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर ये होल्ड हो गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 13,200-250 का लेवल। ये पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 13,400 का लेवल। डाउन साइड की बात करें तो पुट साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो 41 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 13,000 के ऊपर। वही अगर आज देखें, आज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग भी हमें इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है, 21 लाख की कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 13,000 के ऊपर। तो एक अच्छा खासा बेस जो है वो यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिए, और एक अच्छा साइन माना जाएगा। 13,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होता है तो निफ्टी हमें 12,800 के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वही जब तक इसके ऊपर है निफ्टी के 13,500 के चांसेस जो है वो बने हुए हैं। सो निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन डेटा तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। सो एज लॉन्ग एज निफ्टी डज नॉट ब्रेक बिलो द लोअर एंड ऑफ द राइजिंग चैनल, देर आर वेरी गुड चांसेस फॉर रीचिंग 13,500। और अगर बात करें निफ्टी के डाउन साइड के सपोर्ट की, तो निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए सपोर्ट जो है वो 13,000 और 12,750 का लेवल है, और जब तक 12,750 होल्ड हो रहा है निफ्टी के टूटने के चांसेस बहुत ही कम है, और निफ्टी का ट्रेंड भी हम लोग अपसाइड के लिए ही देख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें आज निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, सो आज निफ्टी ने जो है वो ओपनिंग की थी 13,062 के पास, इंट्राडे हाई किया था 13,128 के पास, 145 का ऑल टाइम हाई है। तो आज फिलहाल उसके पास तो नहीं गया, वो तोड़ भी नहीं पाया निफ्टी, लेकिन कल देखते हैं निफ्टी जो है वो इसको ब्रेक करता है या फिर डाउन साइड के लिए जाता है। आज का लो है 12,962 का लेवल। तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स अपडेट किए थे लाइव मार्केट में, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको बताए थे, तो अगर आप उसी को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बना सकते हो इंट्राडे में भी। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। सो अभी बात करें निफ्टी के आगे आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इम्पॉर्टेंट लेवल्स की, तो यहाँ से अगर बात करें तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 13,080 and 50 का जोन। अगर निफ्टी इस जोन को ब्रेक करता है और इसके नीचे 30 से 40 मिनट तक ट्रेड करता है, तो यहाँ से निफ्टी हमें 12,960 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अगर 12,960 भी होल्ड नहीं कर पाता है निफ्टी,
तो यहाँ से निफ्टी हमें 12,910 और 12,850 के तरफ बढ़ता हुआ फिर दिखाई दे सकता है। फिर डाउनसाइड के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। वही अपसाइड की बात करें तो देखिए, अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 13,145 का लेवल, ऑल टाइम हाई जो है। अगर इसके ऊपर निफ्टी स्टेबल हो जाता है, इसको पार कर देता है, तो यहाँ से निफ्टी हमें 13,180 और 210 के तरफ बढ़ता हुआ फिर दिखाई दे सकता है। फिर अपसाइड के लिए ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे निफ्टी 50 के लिए। सो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वो प्लीज़ अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। सो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है इस एक्सपायरी की, और आज की क्लोजिंग आई है 29,817 के पास। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो 11 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 30,000 के लेवल के ऊपर। वही आज अगर अगर हम देखें तो आज सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हमें दिखाई दे रही है वो है 3,42,000 की, जो कि हुई है 30,500 के लेवल के ऊपर। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए यहाँ से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 30,000 का लेवल। अगर ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर निफ्टी बैंक जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर टिक जाता है, तो यहाँ से डेफिनेटली नेक्स्ट मूव जो है वो निफ्टी बैंक का 30,500 और 31,000 के पास रहेगा। फिर अपसाइड के लिए ये तीन रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन फिलहाल इम्पॉर्टेंट है 30,000 का लेवल जो है वो निफ्टी बैंक पार करें। डाउन साइड की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 9,22,000 का, और सेकेंड हाइएस्ट बना हुआ है 8,55,000 का, जो कि है 29,500 और 28,500 के ऊपर। वही अगर हम लोग देखें, आज सबसे ज़्यादा पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो 4 लाख की एडिंग हुई है 29,500 के लेवल के ऊपर, और सेकेंड हाइएस्ट भी हुई है 28,500 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर बात करें सपोर्ट की, तो देखिए अभी जो निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 29,500 का लेवल है। अगर ये लेवल निफ्टी बैंक ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 29,000 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक इसको भी होल्ड नहीं करता है, तो निफ्टी बैंक के पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट लेवल रहेगा 28,500 का लेवल। तो आज इंट्राडे में भी निफ्टी बैंक ने 29,500 का सपोर्ट जो है वो अच्छे से होल्ड करता हुआ हमें दिखाई दिया था। सो ये ऑप्शन डेटा के ऊपर से निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है। सो अभी हम लोग बात करते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। सो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, और निफ्टी बैंक ने आज भी एक इंडिसिव फॉर्मेशन किया हुआ है। तो अगर बात करें आज की, तो आज निफ्टी बैंक ने ओपनिंग की थी 29,844 के पास, इंट्राडे हाई किया था 29,919 के पास, और इंट्राडे लो किया था 29,511 के पास। तो यहाँ से आगे निफ्टी बैंक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 29,750 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक ये लेवल ब्रेक कर देता है, तो निफ्टी बैंक के पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 29,510 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक बाई चांस ये लेवल भी ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें दिखाई देगा, जो निफ्टी बैंक को 29,180 और 29,050 के तरफ लेके जाएगा। फिर ये डाउनसाइड के लिए निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ से निफ्टी बैंक के लिए 29,890 का लेवल। अगर इसके ऊपर 30 से 40 मिनट तक निफ्टी बैंक सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट हमें टारगेट दिखाई देगा निफ्टी बैंक के अंदर वो होगा 30,050 का लेवल। अगर 30,050 सक्सेसफुली पार कर लेता है, तो इंट्राडे में ही हम निफ्टी बैंक को 30,250 के तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। सो ये निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, जो आपको आपके चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क करने हैं, ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सके। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी।
सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।